पॉइंट इलेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज करेंट अफेयर्स की जो साप्ताहिक टेस्ट सीरीज है उसमें सुपर संडे की क्लास में हम लोग बीते हफ्ते में जो भी 25 महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, जो भी घटनाक्रम है उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनका जिक्र इस वीडियो में हमने किया है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से अभी अभी जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे चैनल के जितने भी आगामी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है साथियों, तो जो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस होंगे मेरे विकल्प पढ़ने तक आप उसके आंसर जो हैं कमेंट सेक्शन यानी लाइव चैट में आके आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसके जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से अगर आप सुनते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और जो भी एग्ज़ाम में आएंगे आपसे सही होंगे। ठीक है साथियों, तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए आप सभी तैयार हैं। ठीक है, तो आज के टेस्ट सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। आपके विकल्प है ए है पहले स्थान पे, बी ऑप्शन है दूसरे स्थान पे, सी है तीसरे स्थान पे या फिर डी ऑप्शन है चौथे स्थान पे। आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम लोग हर 10 क्वेश्चन के बाद इन क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन मोड पे आएंगे और वहाँ पे आपको फास्ट आंसर करना होगा। क्वेश्चन जो फर्स्ट है साथ ही उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी तीसरे स्थान पे। यहाँ आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक में जो पहले स्थान पे देश है वो है चीन, जबकि दूसरे स्थान पे जो है वो है अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो देख सकते हैं आप। आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके विकल्प हैं पीयूष श्रीवास्तव, बी ऑप्शन है रोशनी नादर मल्होत्रा, सी ऑप्शन है आदित्य कुमार, जबकि डी ऑप्शन है अशोक लवासा। क्वेश्चन जो सेकेंड है साधु इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी है रोशनी नादर मल्होत्रा। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो एचसीएल इसकी जो स्थापना है वो 11 अगस्त 1976 को ही, जबकि इसका मुख्यालय जो है वो है नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसके अलावा जो इसके एमडी हैं वो हैं सी विजय कुमार और एचसीएल जो कंपनी इसका जो पूरा नाम है वो है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो देख सकते हैं आप। भारत के किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया गया है। आपके विकल्प हैं ईरान, इजराइल, बांग्लादेश, जबकि डी ऑप्शन है ब्राज़ील। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से इस समय लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में और आंसर करते रहें। जो भी आप गलत सही आंसर करते हैं उसी से आपको पता चलता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो थर्ड है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इसराइल। यहाँ इसराइल के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो इसराइल है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, यहाँ की जो राजधानी है वो यरूशलम है, जबकि इसकी जो करेंसी है उसे इसराइली सेकेल कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे दुनिया में जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मानी जाती है, जो सबसे बेहतर और सबसे तेज़ी से कार्य करती है वो इसराइल देश की है जिसका नाम मोसाद है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो देख सकते हैं आप। श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी तथा सीईओ बने हैं। आपके विकल्प हैं यूको बैंक, बी ऑप्शन है फेडरल बैंक, सी ऑप्शन है बंधन बैंक या फिर डी ऑप्शन है पीएनबी। क्वेश्चन जो फोर्थ है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के बारे में आप कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 23 अप्रैल 1931 को हुई, जबकि इसका मुख्यालय जो है वो केरल में स्थित अलुवा है, जबकि अध्यक्ष जो हैं इसके वो हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोशी। तो आप ध्यान रखेंगे जो श्रीनिवासन हैं वो फेडरल बैंक के फिर से सीईओ बने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो देख सकते हैं आप। रोज क्रिस्टीन ओसाउका रेपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आपके विकल्प हैं रूस, गैबन, युगांडा या फिर डी ऑप्शन है मलेशिया।
क्वेश्चन जो फिफ्थ है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी गैबन। आप देखेंगे जो गैबन देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जबकि इसकी जो राजधानी है वो है लिब्रे विल्ले, जबकि इसकी जो करेंसी है उसको सीएफए फ्रैंक बोला जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो महिला प्रधानमंत्री बनी है वो गैबन से हैं और गैबन कहाँ पड़ता है, वो अफ्रीका महाद्वीप में। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है वो देख सकते हैं आप। किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपके विकल्प हैं, ए ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, बी ऑप्शन है आलिया भट्ट, सी है दीपिका पादुकोण, जबकि डी ऑप्शन है सोनाक्षी सिन्हा। देख सकते हैं आप जो क्वेश्चन सिक्स है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा। आप ध्यान रखेंगे जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसकी जो स्थापना है वो 1976 में हुई और इसका मुख्यालय टोरंटो ही है जो कि कनाडा राज्य देश में पड़ता है। क्वेश्चन सेवेंथ आप देख सकते हैं कि किस राज्य ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? आपके विकल्प है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा, जबकि डी ऑप्शन है राजस्थान। आपको बताना है कि किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो सेवेंथ है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। यहाँ आप आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। जो आंध्र प्रदेश है इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भाषाई आधार पे जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश ही था। इसकी जो राजधानी है वर्तमान वो है अमरावती, जबकि इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है YS जगनमोहन रेड्डी। इस राज्य के जो राज्यपाल हैं वो है विश्व भूषण हरिचंदन। यहाँ से लोकसभा की जो सीट है वो है 25, जबकि राज्यसभा सीट जो है वो है 11। तो आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रिवीजन के टाइम आपसे ज़रूर पूछूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के MD तथा CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आपके विकल्प हैं आदित्य कुमार, बी ऑप्शन है अश्विनी कुमार तिवारी, सी ऑप्शन है सौरभ शर्मा या फिर डी ऑप्शन है सुधा शर्मा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी अश्विनी कुमार तिवारी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप इसे, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? आपके विकल्प है महाराष्ट्र, कर्नाटका, नागालैंड या फिर डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी आपका छत्तीसगढ़। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि इस योजना के तहत जो ये गोधन न्याय योजना है, इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर को खरीद कर उससे जैविक खाद तैयार करेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो देख सकते हैं आप। करूर वैश्य बैंक के नए MD तथा CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आपके विकल्प है रजनीश कुमार, बी ऑप्शन है रमेश बाबू, सी ऑप्शन है आदित्य शर्मा या फिर डी ऑप्शन है सौरभ कुमार। आपको बताना है कि करूर वैश्य बैंक के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी आपका रमेश बाबू। यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो करूर वैश्य बैंक है इसकी जो स्थापना है वो 1916 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय जो है वो तमिलनाडु राज्य के करूर स्थान पे है। अध्यक्ष जो हैं इसके वो NS श्रीनाथ, जबकि इस बैंक का जो टैग लाइन है वह है स्मार्ट वे टू बैंक। आप यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखेंगे साथियों कि आए दिन एग्जामों में किसी न किसी बैंक के जो CEO या MD है उनसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है, या फिर उस बैंक का जो लोगो है या फिर जो टैग लाइन है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप
कहीं भी आ रहे हैं या जा रहे हैं रास्ते में, अगर आपको कहीं कोई बैंक दिखता है तो आप उसके लोगो और उसके टैगलाइन को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में आए दिन पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमारे जो आज के टेस्ट सीरीज में महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हैं, उसमें पहले जो 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पे आके कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग एक बार इन 10 क्वेश्चंस को रिवीजन के रूप में ले लेते हैं और जल्दी जल्दी से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। इससे ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो क्या आप सभी साथी रिवीजन के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और हम लोग क्वेश्चन को रिवीजन के लिए चलते हैं। देख सकते हैं आप, आज की जो टेस्ट सीरीज था उसका जो पहला क्वेश्चन था कि ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। आपके विकल्प थे पहला ऑप्शन पहले स्थान पे, दूसरा ऑप्शन दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, जबकि डी ऑप्शन था चौथे स्थान पे। आप सभी बताएं कि ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन आपका सी, तीसरे स्थान पे। यहाँ आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि फिर अगर तीसरे स्थान पे भारत है तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने हमारे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना होगा हर एक क्वेश्चन का, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें जो पहला स्थान है वो चीन का रहा है, जबकि दूसरा स्थान अमेरिका का था। क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं पीयूष श्रीवास्तव, रोशनी नादर मल्होत्रा, आदित्य कुमार या फिर डी ऑप्शन है अशोक लवासा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो सेकेंड है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रोशनी नादर मल्होत्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो थर्ड था आज का, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया है? आपके विकल्प है ईरान, इजराइल, बांग्लादेश या फिर डी ऑप्शन है ब्राज़ील। बिल्कुल, आप सभी ऐसे ही कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करते थे कि क्वेश्चन जो थर्ड है साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल के साथ ये समझौता हुआ है। अब आपके लिए क्वेश्चन एक ये है कि इजराइल किस महाद्वीप में पड़ता है? आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि इजराइल किस महाद्वीप में पड़ता है। बिल्कुल, जो इसराइल है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आज का जो क्वेश्चन नंबर चार था वो देख सकते हैं हम। श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी तथा सीईओ बने हैं? आपके विकल्प है यूको बैंक, बी ऑप्शन है फेडरल बैंक, सी ऑप्शन है बंधन बैंक, जबकि डी ऑप्शन है पीएनबी। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ। रोज क्रिस्टीन ओसाउका रेपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आपके विकल्प थे रूस, बी ऑप्शन है गैबान, सी ऑप्शन है युगांडा या फिर डी ऑप्शन है मलेशिया। क्वेश्चन जो फिफ्थ है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गैबान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आज का सिक्स था वो देख सकते हैं हम। किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या फिर डी ऑप्शन सोनाक्षी सिन्हा। क्वेश्चन जो सिक्स है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके। किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर जो सेवेंथ है, किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आपके विकल्प है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर डी है राजस्थान। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते रहेंगे, तो फिर आपको रिवीजन के समय उसका उत्तर बताने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन जो सेवन थे साथ ही उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो एट है, SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के MD तथा CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आपके विकल्प हैं आदित्य कुमार, बी ऑप्शन है अश्विनी कुमार तिवारी, सी ऑप्शन है सौरभ शर्मा या फिर डी ऑप्शन है सुधा शर्मा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो एयर थे इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार तिवारी। क्वेश्चन नाइन्थ था कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है?
आपके ए विकल्प हैं ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है नागालैंड या फिर डी है छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो नाइन्थ है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। और आज के टेस्ट का जो 10वां क्वेश्चन था वो ये था कि करूर वैश्य बैंक के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं। आपके विकल्प है रजनीश कुमार, बी ऑप्शन है रमेश बाबू, सी ऑप्शन है आदित्य शर्मा या फिर डी ऑप्शन है सौरभ कुमार। क्वेश्चन नंबर जो 10 था साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी रमेश बाबू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को ध्यान से पढ़ा और उसको रिवाइज भी किया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसे आप देख सकते हैं। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? आपके विकल्प है अमेरिका, बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है चीन जबकि डी ऑप्शन है साउथ कोरिया। आपको बता रहे हैं कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। आप यहां देख सकते हैं कि इस मिशन का जो उद्देश्य है वो मंगल ग्रह के वातावरण में मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, जबकि मंगल ग्रह जो है वो सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह इसे क्यों कहा जाता है ये ध्यान रखिए, क्योंकि इस यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की बहुलता है जिसके कारण इसका रंग लाल है। तथा आप यूएई के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखेंगे कि दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसे कहते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो है 829.8 मीटर और यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो बुर्ज खलीफा है इसकी जो ऊंचाई है वो 829.8 मीटर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देख सकते हैं आप। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? आपके विकल्प है 14 जुलाई, बी ऑप्शन है 16 जुलाई, सी ऑप्शन है 18 जुलाई या फिर डी ऑप्शन है 20 जुलाई। आपको बताना है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन जो 12 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 20 जुलाई। क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों वो है कि किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा या फिर डी है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर जो 13 है जिसमें पूछा गया कि अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ शुरू की गई, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखेंगे जो नवीन रोजगार छतरी योजना है उसका जो उद्देश्य है वह है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये देख सकते हैं आप। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आपके विकल्प हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ, बी ऑप्शन है पी एस नरसिम्हा, सी ऑप्शन है ए के मोहंती या फिर डी ऑप्शन है अनूप कुमार दुबे। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए पी प्रवीण सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है। किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? आपके विकल्प है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर या फिर मेघालय। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु राज्य में हल्दी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो। रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जुड़ने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं वर्ष 2021, बी ऑप्शन है वर्ष 2023, सी ऑप्शन है वर्ष 2024 या फिर डी ऑप्शन है वर्ष 2025। आप सभी स्टूडेंट जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं आप ज़रूर से एक बार
इस वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ के साथ शेयर भी कर दे, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँ उससे पहले आप जितने लोग हैं एक बार जाएँ और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों, इसका जो आंसर वो है ऑप्शन सी 2024। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है आज का वो देख सकते हैं आप। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपके विकल्प है युगांडा, बी ऑप्शन है सूरीनाम, सी ऑप्शन है मलेशिया या फिर डी ऑप्शन है वियतनाम। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सूरीनाम। यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो सूरीनाम है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है परमारिबो, जबकि यहाँ की जो करेंसी है उसे सूरीनाम डॉलर बोला जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो सूरीनाम है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? आपके विकल्प हैं मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है कर्नाटक। आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। यहाँ ध्यान दे सकते हैं आप कि चाइल्ड लेबर से बच्चों को आज़ादी दिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है और इस ऑपरेशन का जो नया नाम है वो ऑपरेशन मुस्कान COVID-19 रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो देख सकते हैं आप। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपके विकल्प हैं NTPC, बी ऑप्शन है सैप इंडिया, सी ऑप्शन है सैमसंग या फिर डी ऑप्शन है विप्रो। आपको बताना है कि यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों को रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सैप इंडिया। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि इस साझेदारी का जो उद्देश्य है वो COVID-19 के वर्तमान और इसके बाद के समय में युवाओं को रोजगार को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 20 देख सकते हैं आप। किसने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? आपके विकल्प है जीम ताइक्लेट, बी ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन, सी ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों या फिर डी ऑप्शन है उमाकांत शर्मा। आपको बताना है कि किसने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को जीता है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी जीम ताइक्लेट तथा एन चंद्रशेखरन। यह पुरस्कार भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे ये जो लीडरशिप अवार्ड है ये इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड होता है उसको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व किया। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन 20 तक को एक बार दोबारा हम लोग रिविज़न कर लेते हैं, जिससे ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आप सभी एक बार फिर से एक बार रेडी हो जाए कि हाँ हम लोग रिविज़न मोड के लिए तैयार हैं। तो मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से आपके सामने लाऊँगा और साथ ही आपको आंसर करना होगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आप देख सकते हैं जो आज का क्वेश्चन नंबर 11 था कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया? आपके विकल्प है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है चीन या फिर डी ऑप्शन है साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर जो 11 साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ मैंने आपसे ये पूछा था कि जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पे जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जो सबसे ऊंची आप देख सकते हैं यहाँ पे इमारत है, उसका क्या नाम है? आपको विकल्प आपको नहीं दे रहा मैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो सबसे बड़ी इमारत है उसका क्या नाम है। बिल्कुल उसका जो नाम है उसका नाम है बुर्ज खलीफा। आप ध्यान रखेंगे
बुर्ज खलीफा जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। क्वेश्चन नंबर जो 12 था कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, आपके विकल्प थे 14 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 20 जुलाई। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है विश्व शतरंज दिवस, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी 20 जुलाई। क्वेश्चन नंबर जो 13 था कि किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है, आपके विकल्प थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर डी ऑप्शन था राजस्थान। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, आपके विकल्प है पी प्रवीण सिद्धार्थ, पी एस नरसिम्हा, ए के मोहंती या फिर डी ऑप्शन अनूप कुमार दुबे। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए पी प्रवीण सिद्धार्थ। हम लोग चूंकि रिवीजन मोड पे हैं तो यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं लेना है, आपको जल्दी से जल्दी आंसर करना है क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन 15 है कि किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी, आपके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है मणिपुर या फिर डी ऑप्शन है मेघालय। नंबर क्वेश्चन जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 16 था कि रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों को सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है, आपके विकल्प थे वर्ष 2021, वर्ष 2023, वर्ष 2024 या फिर डी ऑप्शन वर्ष 2025। क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी वर्ष 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, आपके विकल्प थे युगांडा, सूरीनाम, मलेशिया या फिर डी ऑप्शन था वियतनाम। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सूरीनाम। जो सूरीनाम है वहीं के राष्ट्रपति बने हैं भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 था आज का वो देख सकते हैं आप, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है, आपके विकल्प है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं कि यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है, आपके विकल्प थे एनटीपीसी, बी ऑप्शन था सैप इंडिया या फिर सी ऑप्शन सैमसंग या फिर डी ऑप्शन विप्रो। क्वेश्चन नंबर जो 19 था साथियों, उसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी सैप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका आज का कि क्वेश्चन नंबर जो 20 के किसने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को जीता है, आपके विकल्प थे जीम टाइकलेट, बी ऑप्शन था एन चंद्रशेखरन, सी ऑप्शन था उपरोक्त दोनों या फिर डी ऑप्शन था उमाकांत शर्मा। तो यहाँ आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 20 था इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं आज के लास्ट 5 क्वेश्चन जो बचे हैं उनकी तरफ चलते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर उनके 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, तो आपको बताना है कि उनका स्थान कौन सा है, यानी ट्विटर हैंडल्स पर उनका कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन है दूसरा स्थान, बी ऑप्शन है तीसरा स्थान, सी ऑप्शन है चौथा स्थान या फिर डी ऑप्शन है पांचवा स्थान। आपको बताना है कि जो पीएम मोदी हैं उनके ट्विटर पर जो फॉलोअर्स हैं 6 मिलियंस, उससे ज़्यादा और किसके हैं, यानी उनका स्थान कौन सा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 21 से साथ ही उसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी तीसरा। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा स्थान है ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में, जबकि पहला स्थान जो है वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, जबकि दूसरे स्थान पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हैं और तीसरा स्थान नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको मिलता है। क्वेश्चन 22 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 22 द एंड गेम नामक उपन्यास पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके जो लेखक हैं वो है उर्जित पटेल, उमाकांत जोशी, किरण खेर या फिर एस हुसैन जैदी।
आपको बताना है कि द एंड गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, एस हुसैन जैदी। ध्यान रखेंगे जो एस हुसैन जैदी हैं वो भारत से के ही हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 23 देख सकते हैं हम, फीफा ने वर्ष 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है। आपके विकल्प हैं फ्रांस, नेपाल, कतर या फिर जापान। क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों, उसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, कतर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो देख सकते हैं हम, किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। आपके विकल्प हैं फ्रांस, बी ऑप्शन है ब्राजील, सी ऑप्शन है ब्रिटेन या फिर डी ऑप्शन है रूस। आपको बताना है कि किस देश की संसद ने समलैंगिकता पर विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, रूस। ध्यान रखेंगे जो रूस है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसीलिए इसे कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है वो मॉस्को है, जबकि रूस की जो करेंसी है उसे रूबल कहा जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है, जबकि रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है। तो आप ये चारों फैक्ट, पाँचों फैक्ट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि रूस की संसद का नाम अक्सर आपसे पेपरों में पूछा गया है। आज का जो साप्ताहिक टेस्ट था साथी, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, वो देख सकते हैं आप, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया है। आपके विकल्प है मद्रास एम्स, बी ऑप्शन है दिल्ली एम्स, सी ऑप्शन है पटना एम्स या फिर डी ऑप्शन है बेंगलुरु एम्स। क्वेश्चन नंबर जो 25 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पटना। ध्यान रखेंगे जो पटना एम्स है वहीं पे भारत में पहली बार कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल किया गया है। तो साथियों, ये तो इस हफ्ते के जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन घटनाक्रम थे, उनको हमने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया और उनको रिवीजन के द्वारा याद भी हमने किया। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसके रैपिड आंसर के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। बहुत तेज़ी से आप सभी इस 5 क्वेश्चन के आंसर करेंगे और फिर आज की टेस्ट सीरीज कम्प्लीट होगी। तो क्या आप सभी तैयार हैं फाइनल रिवीजन के लिए, 5 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 21 था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। आपके विकल्प थे दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे या फिर पांचवें स्थान पे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 21 था साथियों, उसका जो आंसर था ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पे। आपको ये बताना है कि फिर ट्विटर पे पहले और दूसरे स्थान पे क्रमशः कौन कौन थे। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ट्विटर पे प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा कौन है, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। बिल्कुल आप सभी लिख कर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। आप देख सकते हैं पहले नंबर पे थे बराक ओबामा, जबकि दूसरे पे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर जो आज का 22 था वो था कि द एंड गेम नामक पुस्तक जो उपन्यास है उसका विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है। उर्जित पटेल, उमाकांत जोशी, किरण खेर या फिर एस हुसैन जैदी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 22 था, इसका जो आंसर था ऑप्शन डी था, एस हुसैन जैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23 कि फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है। आपके विकल्प है फ्रांस, नेपाल, कतर या फिर जापान। और आपको ये भी बताना है कि जो फीफा है वो किस खेल से संबंधित है, या फिर ये जो विश्व कप होता है वो किस खेल का है। तो जितने लोग जानकार हैं, ये तो आसान भी है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ये भी बताते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कतर। और जो फीफा है वो फुटबॉल से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसको देख सकते हैं आप, किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। यहाँ आपको विकल्प नहीं लिखना था, यहाँ आपको बताना है कि किस देश ने शुरू किया। आपको मैं विकल्प नहीं दे रहा हूँ, चूँकि एक्सप्लेनेशन अभी दिया था, तो आपको बताना है कि किस देश की संसद ने ऐसा प्रक्रिया शुरू किया है।
आप सभी बताएं, उस देश का नाम बताएं कमेंट सेक्शन में लाइव चैट के थ्रू, जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहें। ये सबसे प्रैक्टिकली वे है आपको किसी भी क्वेश्चन को तैयार करने का। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 था, इसके ऑप्शन थे फ्रांस, ब्राज़ील, ब्रिटेन तथा रूस, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, रूस। यहाँ ध्यान रखेंगे आप। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि जो रूस है उसकी संसद का नाम क्या है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि रूस जो है उस देश की संसद किस नाम से जानी जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते रहें, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। आप देखेंगे जो रूस की संसद है उसे ड्यूमा कहा जाता है। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन था कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया, आपके विकल्प थे मद्रास, दिल्ली, पटना या फिर डी ऑप्शन था बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, पटना। तो साथियों यहाँ पे आके कंप्लीट होता है जो हमारे इस हफ्ते की जो टेस्ट सीरीज थी, जो कि करंट अफेयर्स के घटनाक्रमों से संबंधित थी, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके एक्सप्लेनेशन से क्या आपको लगता है कि और बेहतर तैयारी हो पा रही है, तो आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके इस चीज़ को बताएं। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट डीएलएन को ज़रूर सब्सक्राइब तथा लाइक कर दें। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, इसके अलावा हमारे आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीक यानी अगले संडे हम लोग नए 25 घटनाक्रम के साथ आपसे दोबारा आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।